हेलो फ्रेंड्स, टीम यस वी कैन की ओर से आप सभी दोस्तों को अपनी दोस्त ऋतु श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आइए रुक करते हैं अपने अगले सेशन का, जिसका नाम है बैंकिंग अवेयरनेस क्विज। इस सेशन में हम रूबरू होते हैं सवालों से और साथ ही उनके जवाबों से। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, IBBI का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 1 अक्टूबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल कब पारित किया गया? सही जवाब है 5 मई 2016 को। क्वेश्चन नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के दायरे में नहीं आता है? ये सभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के दायरे में आते हैं। जो भी ऑप्शंस हैं, पहला है कंपनीज, दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, तीसरा पार्टनरशिप फर्म्स और चौथा कोई व्यक्ति विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया किन दो ट्रिब्यूनल्स की मदद से किसी मामले का निपटारा करती है? सही जवाब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? सही जवाब है MS साहू। नेक्स्ट, 2013 के कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन के तहत सरकार द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था? सही जवाब है सेक्शन 408। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कंपनी लॉ अपैलेट ट्रिब्यूनल्स किस प्रकार की संस्था है? सही जवाब है न्यायिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कंपनी लॉ अपैलेट ट्रिब्यूनल में कितनी बेंचेस हैं? सही जवाब है 11 बेंचेस। अब आपको इन बेंचेस के नाम बता देते हैं, ये कहां कहां हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस जगह पर नेशनल कंपनी लॉ अपैलेट ट्रिब्यूनल की बेंच नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, इसकी दो बेंच हैं नई दिल्ली में और बाकी एक एक बेंच कहां कहां है उन शहरों के नाम सुनिए। अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कंपनी लॉ अपैलेट ट्रिब्यूनल का गठन कब किया गया था? सही जवाब है 1 जून 2016 को। नेक्स्ट, UPI पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर में कितने से कितने डिजिट्स तक का पास कोड होता है? सही जवाब है 4 से 6 डिजिट का। नेक्स्ट, भीम ऐप किस प्रकार के अकाउंट्स को सपोर्ट करता है? दो तरह के अकाउंट्स को ये सपोर्ट करता है। पहला तरह का है सेविंग्स बैंक अकाउंट, जिसको आप कहते हैं बचत खाता, और दूसरे तरह का अकाउंट है करंट अकाउंट, जिसको बोला जाता है चालू खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI में अधिक से अधिक कितने रुपए का लेन देन किया जा सकता है, यानी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा आप 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI में एक पेयर को कलेक्ट रिक्वेस्ट अप्रूव कराने में अधिक से अधिक कितना समय लगता है? सही जवाब है 30 मिनट, यानी आधे घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMID का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा 10 सेकेंड पेपरलेस इंस्टेंट लोन स्कीम लॉन्च की गई है? सही जवाब है HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए
30,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। सही जवाब नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत में पहली मल्टी करेंसी कॉन्टैक्टलेस कार्ड सर्विस शुरू की थी? सही जवाब है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, आरएनबीसी द्वारा कम से कम और अधिक से अधिक कितनी अवधि तक डिपॉजिट स्वीकार नहीं किया जा सकता है? सही जवाब है कम से कम ये 12 महीने तक का डिपॉजिट नहीं ले सकती है और अधिक से अधिक 84 महीने तक का डिपॉजिट नहीं ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक द्वारा विदेशी यात्रियों के लिए मल्टी करेंसी कार्ड की शुरुआत की गई? सही जवाब है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, VTM का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है वर्चुअल टेलर मशीन। अब आपके समक्ष एक डेटा पेश है, इसमें इंटरनेशनल एंड नेशनल फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स हम ले रहे हैं और ये कुछ कुछ ज़्यादातर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम बहुत कम सुने होंगे आप और ये जीके के क्वेश्चंस में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब है वियना, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर बीजिंग। ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। ऑर्गेनाइजेशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर शंघाई। ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मास्को रूस। ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC अमेरिका। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोर्ड, ये है बार्सल स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये है बेंगलुरु में। ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट, नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक, ये आपका हेडक्वार्टर है हेलसिंकी। ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेडक्वार्टर जालंधर। ऑर्गेनाइजेशन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ऑर्गेनाइजेशन, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेडक्वार्टर जयपुर। ऑर्गेनाइजेशन, एक्सवीटर स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेडक्वार्टर चेन्नई। ऑर्गेनाइजेशन, जनलक्ष्मी फाइनेंस बैंक, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ऑर्गेनाइजेशन, RGVN बैंक, हेडक्वार्टर गुवाहाटी असम। ऑर्गेनाइजेशन, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र। ऑर्गेनाइजेशन, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेडक्वार्टर वाराणसी। ऑर्गेनाइजेशन, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इट्स हेडक्वार्टर इज त्रिचूर केरल। और ये था दोस्तों लास्ट ऑर्गेनाइजेशन और इस लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही आपका ये सेशन भी यहीं पे होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, सेशन ऐसे ही नहीं समाप्त करेंगे हम आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस रिकॉर्डिंग को खूब एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत को दिल से सलाम करते हुए एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे प्यार भरा नमस्कार।